I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर दुनिया का पहला देश बन चुका है। इस कामयाबी से चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चंद्रयान की सफलता को कमजोर बताते हुए चीनी तकनीक से कंपेयर किया। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चंद्रयान का रोवर चांद की रात का सामना नहीं कर सकता। चीन 2010 में चांग E2 के लॉन्च के बाद से ऑर्बिटर और लैंडर को सीधे पृथ्वी चंद्रमा ट्रांसफर और ऑर्बिट में भेजने में सक्षम है। भारत के पास ये तकनीक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्च व्हीकल्स की क्षमता सीमित है। चीन की तकनीक उन्नत है जिसके कारण समय और ईंधन की बचत होती है। चीन जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो काफी एडवांस्ड है। चीन का रोवर काफी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम का है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम का है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और इसका जीवन काल चांद पर केवल एक दिन का है। इसके उलट चीन के U2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे लंबे समय तक काम कर सकता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के एक एंकर को भी इसी सुर में बात करते हुए पाया गया। भारत की सफलता के थोड़ी ही देर बाद इस प्रेजेंटर ने कहा कि भारत को यूके के पैसे लौटा देने चाहिए। यूके को उन देशों को पैसा नहीं देना चाहिए जिनके पास अपने स्पेस मिशन्स हैं। ब्रिटेन के GBN चैनल के लिए काम करने वाले पैट्रिक क्रिस्टिस ने टीवी पर कहा कि भारत चांद के डार्क साइड पर लैंड कर गया है, इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूंगा। साथ ही भारत से मांग करता हूं कि वो हमारे 2.3 बिलियन पाउंड्स यानी करीबन 24,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा लौटा दें, जो हमने मदद के रूप में 2016 से 2021 के बीच उन्हें दिए हैं। हम अगले साल भारत को 57 मिलियन पाउंड्स यानी 595 करोड़ रुपए देने वाले हैं। हमारे देश के लोगों को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमें नियम बना लेना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे देश को पैसा ना दें जिसके पास स्पेस प्रोग्राम हो। अगर आप चांद के साउथ पोल तक एक रॉकेट भेज सकते हैं तो आपको हमसे पैसे नहीं मांगने चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 229 मिलियन लोग गरीब हैं। हालांकि ये दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इसकी इकोनॉमी लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की है। हम भारत के गरीबों की मदद क्यों कर रहे हैं जब उसकी सरकार को उनकी चिंता नहीं है? इस वीडियो को खुद पैट्रिक ने ट्विटर पर शेयर किया।